फ्रेंड्स, टेस्ट ड्राइव शुरू होने से पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं गाड़ी का। सर थोड़ा सा बताइए कौन सा वेरिएंट है, कौन से टेस्ट ड्राइव जो अवेलेबल है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 1.5 लीटर इंजन, 115 पीएस हॉर्स पावर एंड 245 एनएम की टॉर्क, 250 एनएम की टॉर्क है इसके अंदर। टेस्ट ड्राइव के लिए यही व्हीकल अवेलेबल रहता है सर। टॉप एंड वेरिएंट की स्टार्ट है इसके अंदर, आपको की से भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। यूवो कनेक्ट इसके अंदर एप्लीकेशन जो है वो उसमें स्मार्ट वॉच से भी आप गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप की कमांडिंग दे सकते हैं। मतलब बाहर से ही खड़े हैं तो जैसे कहीं से भी गर्मी में खड़ी रहती है गाड़ी, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, कितना मतलब कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। वो कनेक्ट का कोई वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, वो नेटवर्क से चल। यूवो कनेक्ट एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट बेस्ड है। हाँ जी, गाड़ी के साथ उसका लिंकअप है और उसमें जो है आप कहीं पर भी बैठ के उसको कमांड कर सकते हो, स्टार्ट करने की, ऑफ करने की, लॉक अनलॉक करने की, गाड़ी को मॉनिटर करना है, गाड़ी का व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट, सारा कुछ आप उस कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर आप ऑपरेटिंग कर सकते हो। टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। अननोन फैक्ट्स की जैसे मैं बात कर रहा था, सर साथ में रहेंगे, उनसे जानेंगे अपन। और काफ़ी अच्छी है गाड़ी और डोर भी काफ़ी भारी हैं और लेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ सर, वेंटिलेटेड सीट है, क्वालिटी भी अच्छी खासी, ऐसी नहीं है। अभी पीछे कर लेते हैं, ऊंची उठा रखी है भाई किसी ने। चलो जी, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं और स्टेयरिंग को करते हैं जी थोड़ा सा ऊपर। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलते हैं सर जी? टिल्ट ऑन। अच्छा, टिल्ट ऑन भी तो काफ़ी जगह हो जाती है। वैसे थाई स्पेस, वैसे बोनेट नज़र आता है अगर आप देखोगे। सर को बोलूँगा मैं थोड़ा सा, सर मेरी लेवल पर दिखाइए कि बोनेट दिखता है कि नहीं। पार्किंग भी स्टार्ट होगी सर, रास्ता था लंबा। से कुछ इसकी अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे सर। ऐसी चीज़ें बताइए जो अपने दोस्तों के पास पहुंची नहीं है या जो सोनेट लेना चाहते हैं तो इसको प्रेफर करते हैं, तो मतलब क्या चीज़ उनको बेस्ट मिलेगी सर? इसी सेगमेंट के साथ जो और गाड़ियाँ कंपेयर कर सकते हैं ना, एक दूसरे इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सेफ्टी के लिए आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं इसमें, 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सर इसमें आपको। ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है सर? यस सर। और जो आपके सीट्स हैं इसमें वो वेंटिलेटेड है, जो अभी तक इस सेगमेंट में ही है, किसी और सेगमेंट में आई नहीं सर अभी तक। हाँ, वेंटिलेटेड सीट, ठीक बात। ठीक है सर, इसमें आपको बोस का सिस्टम मिल जाता है, आपको ड्राइव ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं सर इसमें आपको। अच्छा, जो ड्राइव मोड्स हैं कितने हैं इसमें? इसमें सर 6 आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और मड, स्नो, सैंड। अच्छा, और ये चलो अभी आप ये चीज़ें ट्राई तो नहीं कर सकते, लेकिन सर मतलब एक्चुअल में है ये डमी नहीं है? स्पोर्ट्स में आती है सर। ऑटोमेटिक की पिकअप बढ़ गई थोड़ी, जैसे आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, ये कितना स्पीड ऑटोमेटिक है? ये 6 स्पीड है सर, जैसे टॉर्क कन्वर्टर। अच्छा, टॉर्क, आजकल सारी गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर यार, जैसे हमने थार चला के देखी टॉर्क कन्वर्टर था, यूज करते हैं फॉर्च्यूनर भी, अगर आप यूज करें तो उसमें भी यही आता है, टॉर्क कन्वर्टर आता है। बहुत ही स्मूथ है दोस्तों, मैं बता दूं डीजल इंजन है लेकिन अंदर कैबिन नॉइस 0 है, आपको भी नहीं आ रही होगी शायद। एसी की स्पीड 1 पे है, उसी का फैन का जो हवा की आवाज हो वो सुन सकते हो, इसके अलावा बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा। कितना देती है? 24 सर क्लेम कर रही है कंपनी, बट 24 कर रही है। यस, बट इन्हें लोकल सिटी अगर मैं बात करूँ तो 20-21 की एवरेज दे रही है। और स्पेस भी देख सकते हो दोस्तों, सर के और मेरे शोल्डर काफ़ी दूर है, लगभग 5-10 की हाइट के ही हैं हम दोनों, और काफ़ी कंफर्टेबल, आई थिंक 3 बंदों के लिए कंफर्टेबल है सर, है ना? हमारे जैसे तो आ ही जाएंगे। अपना चंडीगढ़ में तो ठीक है सर, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बहुत जरूरी हो गया आजकल। सर मैं बोलूंगा सर को एक बार मीटर की तरफ दिखाएं, स्पोर्ट मोड पे आ रहा हूं। ये स्पोर्ट मोड है और देखते हैं अभी कैसी पिकअप पकड़ती है गाड़ी, बस ज़्यादा नहीं दोस्तों क्योंकि सिटी है। अच्छा पिकअप है सर, इसको इको पे करके देखते हैं सर, ये इको पे आ गया सर। बेटर माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए रहता है इको मोड, बहुत स्पोर्ट्स मोड के लिए जिसको ज़्यादा शौक है भगाने का, अग्रेसिव इसको चलाना है ना, इनिशियल से किसने ओवरटेक करना गाड़ी को तो वो स्पोर्ट्स में लगा सकते हैं, जैसे कि आप मड, सैंड। बट ये नहीं कि गाड़ी आप बीच में लेके आप उसके बाद ऑन करेंगे, आपको पहले अगर सामने दिख रहा है तो आपको पहले ही ऑन करना पड़ेगा उसको सर। अच्छा अच्छा, तो इजीली गाड़ी अपने हिसाब से वो पावर दे देती है। 4x4 तो है नहीं सर, के बीच में जाके मोन कर रहा है तो हाँ जी, हाँ जी। पकड़ लेगी तो उसके वजह से। सेल कैसी हो रही है गाड़ी की? सेल बहुत बढ़िया हो रही है सर, लास्ट मंथ हमने 301 का सेल किया, हमने सोल्ड किया गाड़ी, एक मंथ 301 गाड़ियाँ सिर्फ आपके इस आउटलेट से जा रहे। ठीक सर,
और अभी वेटिंग वगैरह है गाड़ी पे? वेटिंग बिल्कुल है सर। 9 weeks। कितना सर? 9 weeks। 9 weeks ओके। हाँ, 2 महीने से ज्यादा की है तो इसका मतलब गाड़ी अच्छी खासी चल रही है। और इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आता है तो स्पोर्ट्स वाली पूरी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताऊं दोस्तों, प्यार से जितना चलाने में मजा आता है ना गाड़ी को, मेरे को नहीं लगता भगाने भूगने में और ऐसे आएगा। बहुत मजे से चल रही है गाड़ी। इसमें आपको 10.25 की डिस्प्ले मिल जाती है। हाँ सर, ये भी काफी, ये भी आई थिंक सेगमेंट में फर्स्ट ही है। यस सर। बॉस का है वो भी। अच्छा अच्छा, बॉस का। इसमें मैप ऑफ इंडिया यूज किया गया। पूरा डिजिटल कंसोल मिलता है इधर, MID जो बोलते हैं हम। कंडीशन में स्टेयरिंग भी बहुत लाइट है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है सर। गाड़ा देखो, साथ में कंपास भी नजर आता है। और सारी चीज है ना सर रीच में है, मतलब पास में आप आराम से, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान भटक जाएगा स्क्रीन अगर आप कंट्रोल कर रहे हो। और रियर व्यू मिरर, आउटसाइड रियर व्यू में देखें तो वो भी काफ़ी ब्रॉड है, मतलब काफ़ी क्लियर नज़र आता है पीछे तक। और ये देख ही रहे हो आप IRBM इलेक्ट्रॉनिक, इस पर काफ़ी सारे कंट्रोल भी, SOS वगैरह, इमरजेंसी। युवक आप अपनी गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी सर, इंजन ऑफ ऑन ऑफ वाला फर्स्ट इन सेगमेंट है ये भी, है ना फीचर। एक्चुअली दोस्तों मैं एक बात और बोल दूँ, मैं जैसे अभी आपको रिव्यू दे रहा हूँ तो मेरा चलाने का अलग स्टाइल है, मेरे को कैसी गाड़ी पसंद आती है चलाने में। तो जिस भी दोस्त को लेनी हो गाड़ी तो रियल में खुद आके एक बार टेस्ट ड्राइव लें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका जो डेली का यूज है, जिस हिसाब से आपको रखनी है, तो उसमें आपको कैसी फील होती है। ये ड्राइव में दबा देंगे ना, ये व्यू ये देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी फ्रंट चल रही है और आप पीछे का व्यू भी देख सकते हो। जैसे कोई गाड़ी अपने एस्कॉर्ट करनी है, फॉलो कौन आपको कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा फंक्शन है यार, मेरे को सबसे जरूरी है सर ये, मेरे को सबसे नीट ही लगता है ये फंक्शन। सबका अलग अलग है वैसे। और फीचर्स तो भाई दोस्तों मैं बताऊं, भर के दिए है, इतने सारे फीचर्स है, मेरे को लगता है एक महीना तो सीखने में लग। चार्जिंग भी है सर यहाँ पे। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग भी है दोस्तों। क्या है, हो गया सर का S10 है। मेरे वाला काम कर रहा है। हाँ, और ये क्या है सर, ये सीट के, ये वेंटिलेटेड सीट आ जाएगी, ड्राइवर को ड्राइवर। वही मैं सोचूं सर, नीचे से ठंडी सी हवा लग रही है पीठ पे, ऑन है इसका मतलब ये, है ना। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सर कौन सा मैकफर्सन स्टड आ रही है, रियर टॉर्शन बीम आ रही है सर, कंफर्टेबल ड्राइव के लिए रहेगा। एंड 205 की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस तो काफी अच्छी दी है सर। बिल्कुल सर, सनरूफ भी है। अच्छा हाँ, इसका तो जिक्र किया ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ना आधे से ज़्यादा फीचर्स तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा टेस्ट ड्राइव के दौरान, इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब इतने 10-1 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना मैक्सिमम हो सकेगा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसमें। थोड़ा प्राइस और बता दीजिए सर, कितना है, एक शोरूम बताइए, क्योंकि हर एक सिटी का अलग वो होता है। रोल में सर ये 671 से स्टार्ट हुई थी एक शोरूम। अच्छा, बेस वेरिएंट सर। यस सर, बेसिक वेरिएंट। सेफ्टी फीचर्स तो सारे मिलते होंगे सर उसमें भी? नहीं, 2 एयरबैग मिल रहे हैं, एयरबैग एंड ABS विद DVD आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, और रिवर्स पार्किंग सेंसर। सर क्रेटा वाला ही है क्या, मान लो वेन्यू, या इसमें सेल्टोस वाला ही है क्या, ये बोले तो 1.5 लीटर का इंजन सेम है सर, जो सेल्टोस में है, सिर्फ डीट्यून्ड किया है सर थोड़ा ना, BHP कम किया है। बेस्ट फीचर का डिफरेंस आया था सर, मिल गया आपको। नहीं, ऑटोमेटिक में डीट्यून्ड भी नहीं है, सेम है। अच्छा, ऑटोमेटिक में सेम है, जो सेल्टोस में है वही अभी जो आप ड्राइव कर रहे हैं। तो ये तो में डीट्यून्ड किया है, ये तो बहुत बेहतरीन है। अगर डेली कम्यूट्स के लिए, सिटी ड्राइव, ऑफिस जाने के लिए अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो बहुत बेहतरीन है। कॉम्पैक्ट की कॉम्पैक्ट है, कोई पार्किंग वार्किंग का भी ज़्यादा झमेला नहीं रहेगा, और मतलब मजे देने वाली गाड़ी है सर, अगर किसी को लंबे टाइम के लिए कोई कम्फर्टेबल गाड़ी चाहिए तो। एक ये अंदर का दिखा रहा है सर। देखो दोस्तों, एयर प्यूरीफायर भी देख सकते हो आप, और ये अपने गाड़ी में अभी AQI प्रदूषण का वो सतर जो मापते हैं वही कितना है। सर इसमें साउंड मोड लाइट भी है, जैसे आप म्यूजिक चलाते हैं तो डोर में से लाइट चाहिए आपके, जो आपके मूड को एनहांस करता है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, और रियली रियर सीट का भी कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, थाई स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा दिया, कुशनिंग भी बहुत अच्छी है सारी चीज। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं, जैसे क्रेटा में देखा था मैंने, लेफ्ट को फिर सर इसको क्या बोलते हैं जो पीछे है, ये ये सर,
सर कुछ पॉइंट्स है तो आप भी बता दीजिए। देख लेते हैं अभी क्या हो सकता है। आप पहली बार चला रहे हो इसको? नहीं चलाई हुई है। अच्छा पहले ले रखे थे। और तो बहुत सही फील होती है, लेकिन मुझे सेल्टोस के मुकाबले इंजन का नॉइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कैबिन स्पेस कम है ना सर? है ना, एज कम्पेयर टू सेल्टोस। उसमें थोड़ी सी डैम्पिंग टाइप भी और भी कुछ काम किया होगा, थोड़ी बड़ी भी है, पैसे भी ज्यादा है सर। पैसे तो इसकी भी बहुत है, लेकिन कितना फ्लोर आ रहा है ना, अब कम हो गया स्पोर्ट्स में ज्यादा। अच्छा आप ज्यादातर सेल्टोस चला रहे हो ना सर, इसलिए आपको मैं चला रहा हूँ स्कॉर्पियो, मेरे को लिट लगी है। तो फ्रेंड्स एक टेस्ट ड्राइव ओवरव्यू में कोशिश की है मैंने फुल इन्फॉर्मेशन देने। वैसे आप मैं एक प्लस पॉइंट वाइज जैसे पहले ही बोल रहा था, तभी आपको रियली पता लगेगा कि एक बार आके खुद टेस्ट ड्राइव लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। लेकिन गाड़ी मेरे को जैसे लगी है, मेरे व्यू ये हैं, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, काफ़ी साइलेंट लग रही है मेरे को। वलेंद्र सर जैसे बता रहे थे कि सेल्टोस के मुकाबले थोड़ा सा NVH लेवल वो कम है, मतलब नॉइस वॉइस थोड़ी सी आ रही है उनको क्योंकि सेल्टोस चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पावर बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और टेस्ट ड्राइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।